Mr. President, if a conventional war starts and anything could happen, but supposing a country seven times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion? Or is it going to stand up for justice and humanity? दुनिया सोचे उसने सवा अरब की मार्केट का साथ देना है या इंसानियत का। दो एटमी मुल्क आमने सामने हैं। भारत ने जंग मुसल्लत की तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा पेश कर दिया। हिटलर मोदी के मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ लाइफ मेंबर ऑफ आरएसएस। RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. वज़ीर-ए-आज़म ने RSS को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कहते हैं RSS का नजरिया मुसलमानों की नस्ल कुशी है। RSS के नजरिए ने महात्मा गांधी को कत्ल किया। Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And why did it start? Sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर Islamophobia पर सवालात उठा दिए। कहते हैं 9/11 के बाद से इस्लामोफोबिया में इजाफा खतरनाक है। 9/11 से पहले ज्यादातर खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स ने किए। कुछ आलमी लीडर्स ने दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा। इस्लामोफोबिया की वजह से दुनिया में तकसीम बढ़ी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स साइफंड ऑफ बाय द रूलिंग एलीट्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड दे फाइंड देयर वे इनटू वेस्टर्न बैंक ऑफशोर अकाउंट्स टैक्स हेवंस Expensive properties hidden behind companies bought in Western capitals. Mr. President, this is devastating the developing world. Money leaves the poorer countries into rich countries is not treated the same as, for instance, money from drugs or terror financing. Money laundering गरीब मुल्कों का बड़ा मसला करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमीर मुमालिक में ऐसे कानून हैं जो क्रिमिनल्स को तहफ्फुज़ फराहम करते हैं। पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग करप्ट सियासी माफिया ने की उसकी वजह से मईशत तबाह हुई। वक्त आ गया है दुनिया इस मामले को संजीदा ले। न्यूयॉर्क में मोदी के खिताब के दौरान जबरदस्त एहतजाज। मकबूजा कश्मीर पर कब्जे और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिका ने मकबूजा वादी में पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। अमेरिका का भारत पर तमाम गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई पर भी जोर। कश्मीर में जिंदगी कैद हुए 54 रोज बीत गए। भारतीय मजालिम पर दुनिया की आंखें ना खुलें। वादी के मकीनों को खाना मिल रहा है न अद्वियात। कौन सुनेगा कश्मीरियों की फरियाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पूरी कौम एक जबान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौमे स्याह पर सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगुं रहा। शहर शहर रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान में देरपा अमन अफगान अमन से जुड़ा है। जितना पाकिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं उतना ही अफगानिस्तान में है। बाढ़ लगाने के अमल से दहशतगर्दों की आमदरफ्त कम हुई। आर्मी चीफ का मेरानशाह में कबायल इमायदीन से खिताब।
बरसात में अमवात, कराची में करंट लगने से 3 अफराद जां बहक, बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। सड़कें हैं या नहरें, हर तरफ पानी ही पानी, कराची में बादल पांचवें रोज भी गरजे फिर जमकर बरसे, बारिश से निजामे जिंदगी दरहम बरहम, गाड़ियां डूब गईं, लोग धक्के लगाने पर मजबूर, मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। हुक्मरान जमात को बड़ा झटका, धांधली साबित होने पर एनए 265 का इंतखाब कल अदम करार, कासिम खान सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली नहीं रहे, ट्रिब्यूनल का हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। आप किसी को इस तरह नहीं कह सकते, मैं खुद इस निशिस्त पे एज ए डिप्टी स्पीकर यहां से वोट लेके आया हूं, और जिसने भी यहां से वोट लिया है, यहां पे जो इस कुर्सी पे बैठा है वजीर आजम, इस ईवान का वोट लेके आया अक्सरती, आपने आइंदा किसी ने भी इस ईवान के अंदर किसी की भी जो है ना वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना है। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है, और इसके अंदर जो भी जिस पोजिशन पे है वो मुंतखब होके आए हैं। लव सिलेक्टेड पर पाबंदी लगाने वाले की अपनी कुर्सी चली गई, तमाम सिलेक्टेड लोगों को जाना होगा, सच को नहीं दबाया जा सकता, बिलावल भुट्टो का इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले पर रद्द अमल। पेशावर का लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मैदान जंग बन गया, एहतजाजी डॉक्टरों पर पुलिस का धावा, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, झगड़े में कई मुजाहिरीन जख्मी, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी अस्पतालों की निजकारी नामंजूर, फैसलाबाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज, एलाइड अस्पताल के एमएस के दफ्तर को ताला लगा दिया। आजाद कश्मीर में तबाहकुन जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स जारी, लोग घरों में जाने से भी डरने लगे, जलजले के बाद मामूलाते जिंदगी बहाल ना हो सके, रात की बारिश के बाद मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। डेंगू बदस्तूर बेकाबू, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 169 अफराद में वायरस की तस्दीक, तादाद 3300 हो गई, इस्लामाबाद में डेंगू के 500 मरीजों में वायरस, हॉस्पिटल्स में सहूलियात का फुकदान, मजीद अमवात का खदशा, कराची में मुतासर अफराद की तादाद 1342 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान, पेट्रोल की कीमत में 2.55 रुपए कमी की सिफारिश, डीजल 3.23 रुपए फी लीटर सस्ता करने की समरी अरसाल। प्रेसिडेंट, इफ अ कन्वेंशन वॉर स्टार्ट्स एंड इट कुड एनीथिंग कुड हैपन, बट सपोजिंग अ कंट्री 7 टाइम्स स्मॉलर देन इट्स नेबर is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, and when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders, it will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here, because I'm warning you, it's not a threat. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion or is it going to stand up for justice and humanity? दुनिया सोचे उसने 125 अरब की मार्केट का साथ देना है या इंसानियत का, दो एटमी मुल्क आमने सामने हैं, भारत ने जंग मुसल्लत की तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा पेश कर दिया, हिटलर मोदी के मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ लाइफ मेंबर ऑफ आरएसएस। आरएसएस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज इंस्पायर्ड बाय एडॉल्फ हिटलर एंड मुसोलिनी, केम अबाउट इन 1925। वज़ीर आज़म ने आरएसएस को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया, कहते हैं आरएसएस का नजरिया मुसलमानों की नस्ल कुशी है, आरएसएस के नजरिए ने महात्मा गांधी को कत्ल किया। न्यूयॉर्क
ब्लॉक में मोदी के खिताब के दौरान जबरदस्त एहतजाज, मकबूजा कश्मीर पर कब्जे और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस का फैसला आ गया, मकतूला के भाई मरकजी मुल्जिम वसीम को उम्र कैद, मुफ्ती अब्दुल कबीर और बाकी मुल्जिम शक के बिना पर बरी।